श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी कल्याण पत्रिका में आई थी, जिसे श्रीमती श्री अनिता जी ने लिखा है, बताया है इस कहानी को। तो कहानी ऐसी है, एक बार एक बालक था, घर पर बैठा था। उसके द्वार पर एक बूढ़ी माँ मांगने आई और दरवाज़ा खटखटाया। उस बालक ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही देखा तो एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे घर में कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दे। उस बच्चे ने कहा कि ठीक है। वो अंदर गया और अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आई है, वो कुछ मांग रही है। तब उसकी माँ ने कुछ देने के लिए कहा। उससे पहले ही उस बच्चे ने कहा, माँ आपके हाथ में सोने के कंगन हैं, उसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे ये कंगन दे दो। ये कंगन मैं उन्हें दे दूँगा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, और जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके लिए कंगन बनवा दूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा। उस बच्चे की माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तू ले जा। उसने कंगन दे दिए और वो बूढ़ी माँ उन कंगन को ले गई और बड़ा खूब आशीर्वाद दिया। जब थोड़ी देर हो गई, कुछ टाइम बीता, कुछ समय बीता, कुछ साल बीते और वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन अपनी माँ से जाके कहता, माँ तुम्हें याद है, एक वृद्ध महिला अपने द्वार पर मांगने आई थी, तब मैंने तुमसे कंगन लेकर उसे दे दिए थे और कहा था जब मैं बड़ा हूँगा तो तुम्हारे लिए कंगन बनवा दूँगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, मैं ये कंगन देना चाहता हूँ, आपको लौटाना चाहता हूँ, माँ आप मुझे अपने हाथ का माप दे दो। तब उस बच्चे की माँ ने कहा, जो बड़ा हो चुका था, कि बेटा एक काम कर, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कंगन की क्या ज़रूरत है, तो इस गांव में बड़े गरीब बच्चे हैं, उनके लिए एक अस्पताल बनवा दे और एक विद्यालय बनवा दे, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तब उस बच्चे ने कहा, ठीक है माँ। उस पुत्र ने अपनी माँ के कहने पर निःशुल्क चिकित्सालय भी बनवाया और विद्यालय बनवाया कलकत्ता के अंदर। अब आप जानोगे वो बच्चा कौन था। वो बच्चा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे सपूत भारत माँ ने दिए हैं, जो सब कुछ लौटाने पर, त्यागने पर तैयार रहते हैं। तो हम भी उनसे थोड़ा सीखें, कुछ देने का समय आए तो दे दें, कोई द्वार पर आए तो उसे मना ना करें, भूखा न लौटाएं। अगर कुछ भी ना दो तो एक प्रेम भरी मुस्कान ही दे दो कम से कम, उसे गाली मत दो, अपशब्द न बोलिए। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली कल्याण पत्रिका की, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय जय श्री राधे।